स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल जी, स्वागत है सारे का। दोस्तों अज के शो के गल करांगे यूके दे स्पाउस वीजा की, तो जानने की कोशिश करांगे कि एक बार जो पहले एप्लीकेंट नू वीजा मिल जाता कि गरंटीड हुंदा कि 100% स्पाउस नू भी वीजा मिल जाएगा या कई बार दिक्कत आउंदियां ने, सो यह सारा प्रोसैस जानने की कोशिश करांगे। साडे नाल मौजूद ने वीजा ऑफिक के मैनेजिंग डायरैक्टर रणजीत सिंह पल, जिहड़े कि यूके के केसिस दे विच खास तौर पर डील करते हैं। स्वागत है रणजीत जी। मेहरबानी दीपक जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस नू सत श्री अकाल जी। रणजीत जी, स्पाउस वीजा की 100% हुंदा, क्योंकि बहुत कुछ एट स्टेक हुंदा जो कोई प्लान करता है स्पाउस के हिसाब नाल, तो बहुत सारी चीज़ा जुड़िया होंगे। दीपक जी, आप प्रैक्टिकली वैसे 100% वर्गी कोई चीज़ नहीं होंगी, बट यस ऑलमोस्ट यूके जो आप गल करते हैं तो यूके का स्पाउस वीजा जो तुम कोई गलती नहीं करते तो एंड तो कोई मिसटेक नहीं रहती तो 100% वर्गा हैगा। ये मैं तुम्हें रीजन दे दिना, यूके का स्पाउस वीजा जी कैटेगरी जो आप फाइल करने तो इस जो मेन एप्लीकेंट हों जो स्टडी कर गया वो मास्टर कर गया हो, पहली गल तो यह है। हूँ जो कोई प्लस टू कर कर करके बैचलर कर गया वह स्पाउस वीजा लगा रहे हो सीधी रिफ्यूजल है, वो 100% नहीं है। हालांकि जे तुम मास्टर लिए गए हो तो स्पाउस वीजा लिए एलिजिबल हो, फाइल लगा सकते हो। वीजा ऑलमोस्ट निकल जाता है क्योंकि साढ़े दीप जी मैं अपने दस दिना राइट नाउ साढ़े जो स्पाउस के केस लगे स्पैशली जो मेन एप्लीकेंट चला गया वो जाने बाद स्टडी ज्वाइन करने तो बाद इतों स्पाउस ने फाइल लगाई है तो 100% रिजल्ट रहा टिल डेट कि चल रहा। प्रॉब्लम की है जे रिफ्यूजल भी कितने आँदी बच्चे की, कई साढ़े को रिफ्यूजल वाले केस भी आते भी बाद वीजे लेने, प्रॉब्लम बच्चे की आँदी है कि जो स्पाउस की फाइल लगती है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाती। देखो पहला मैं थोड़ा दसदा तुहानू कि स्पाउस वीजा किस ग्राउंड से हुंदा। गाइडलाइन यूके वैसे तो क्लीयर ने, तुहाडा मेन एप्लीकेंट लैवल 7 की स्टडी कर रहा यूके मास्टर कर रहा तुसीं एलिजिबल हो, एक हो गया ओके, उन्होंने डॉक्यूमेंट आ गए, BRP कार्ड आ गया, ठीक है। तुसी हुण अपने की प्रोवाइड करने, तुसी अपने फंड प्रोवाइड करने कि तुहाडे को साल की लिविंग कॉस्ट हैगी कि नहीं हैगी, प्लस तुसी प्रूव करना कि तुहाडी मैरिज जेन्युइन, मेन स्पाउस मेज का जो स्पाउस वीजा रिफ्यूजल का कारण मैरिज जेन्युइन कि नहीं जेन्युइन, आ मुद्दा मेन है। हुण कई बार कहिंदा कि बच्चों जो एप्लीकेंट आते उन्होंने गाइड नहीं किया जाता स्पाउस के प्रूफ में लैके, तो देखो फंड तुहाडे को अगर जेन्युइन पए आ तो हो गया तुहाडे 10 पॉइंट तुहानू मिल गए, मैरिज जेन्युइन कि नहीं जेन्युइन ये सिर्फ तुहाडा मैरिज सर्टिफिकेट प्रूव नहीं कर सकता दीपक जी, आही मेन रीजन रहिंदा। आपां कई बच्चे करते हैं कि मैरिज का प्रूफ लाना जी, मैरिज सर्टिफिकेट लग गया जी, इनफ आ, वो इनफ नहीं है। तुसी कल्ला मैरिज सर्टिफिकेट लगाओगे तो ऑब्जेक्शन आएगा कि तुसी सिर्फ कीड़ियां चीज़ां होंदियां फिर जेन्युइन प्रूफ का। देखो जेन्युइन प्रूफ करने लिए विआह अगर तुहाडा जेन्युइन हैगा तो अपने को देखो उत्थे ज्यादा प्रूफ अपन लभण की लोड़ नहीं पैंदी। नंबर वन मैं तुहानू दस्स दिंदा कि प्रूफ चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट तुहाडे को हैगा नंबर एक प्रूफ हो गया, तुहाडी मैरिज जेन्युइन तो वेरी ओबियस कि मैरिज दी फोटोग्राफ भी होणगीआं, तुसी उत्थे मैरिज दी अलग अलग जिहड़ियां रस्मां हुंदियां ने उहदियां फोटोग्राफ होणगीआं ते तुहाडे कोल अनलिमिटेड फोटोग्राफ पईआं ने, प्रूफ नंबर दो हो गया। प्रूफ नंबर तीन की है कि तुहाडा जिहड़ा मैरिज का कार्ड सीगा तुसी पैलेस वगैरह बुक किया होएगा उहदे भी प्रूफ होणगे, जां मैरिज का कार्ड ते एटलीस्ट अपने कोल पिया हुंदा, ये तीन प्रूफ हो गए। चौथा प्रूफ है सब तो वड्डा प्रूफ, तुहाडा जिहड़ा पासपोर्ट उत्थे स्पाउस का नाम चढ़िया होवे, ये हाँ तुसी अगर एक सरकारी डॉक्यूमेंट से स्पाउस का नाम चढ़ाया तो सब तो बेस्ट है, मैरिज सर्टिफिकेट भी चलेगा लेकिन उस तो बिना भी डॉक्यूमेंट चाहिए। अपना जिहड़ा जिहड़ा मेन एप्लीकेंट चला गया उहदा कोई इशू नहीं है, जिहड़ा स्पाउस ला रहा उहदे पासपोर्ट ते नाम चढ़ना ही चाहिए क्योंकि उन्हें प्रूव करना कि मैरिज जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन, क्योंकि वह वीजा लै रहा। इस तो बाद तुहाडा कोई ज्वाइंट अकाउंट हो सकता दोवां दा हसबेंड वाइफ का, वो भी एक इन्ना वड्डा प्रूफ हैगा। तुहाडे जिहड़े ID हुंदे ने उहदे ते एड्रैस जिहड़ा सेम हुंदा, जिदा मैरिज तो बाद अगर ID चेंज कराए होण लड़की ने तो उहते एड्रैस आ जांदा आधार कार्ड लड़की दा, दो च केयर ऑफ करके जिहड़ा हसबेंड दा नाम लिखिया हुंदा। सो इदां दे 4-5 प्रूफ दीपक जी इकट्ठे होए ने, फिर इस तो उपर भी तुसीं अपनी रिलेशन दी हिस्ट्री जे तुहाडी चैट हिस्ट्री होगी तुहाडी कॉल हिस्ट्री होगी तुसीं उह भी लगा सकदे हो। इन्ने डॉक्यूमेंट हो गए एक मैरिज नूं जनरल प्रूफ कर लिया, अगर तुसीं सारे जां मैक्सिमम इन्हां चों लगाउंदे हो तां दीपक जी वीजा रिफ्यूज़ नहीं हुंदा। इही कारण है कि अगर यूके दा 100% स्पाउस वीजा की गल करते हैं तो आ डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो तुसी जो उन्होंने क्लॉज ने। देखो वीजा ऑफिसर का एको रूल है कि मैरिज जेन्युइन होवे तुहाडे को फंड होण उत्ते लैवल 7 की स्टडी चल रही हो, तीनों चीज़ां पूरियां करो। स्पाउस इंटरव्यू है नहीं, स्पाउस का इनकम की कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई मैंडेटरी नहीं प्रोवाइड करना क्योंकि उसते वीजा नहीं टिकया। सो बेसिक चीज़ा ही आप प्रोवाइड नहीं करते ही रिफ्यूजल आती है, अगर ये चीज़ा प्रोवाइड करोगे तो यूके यस
100% ਵਰਗਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਦੀਪਕ ਜੀ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਲੌਜ ਯੂਰ ਫਾਈਲ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।